दो हफ्ते के बाद दोनों के बीच होगी बातचीत। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत होगी। बातचीत से पहले क्रेमलिन का बयान सामने आया है, पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का इरादा नहीं है, शर्तों के साथ गैर जानिबदार रहने पर गौर किया जाएगा। तो ज़ेलेंस्की का बयान, आपको बता दें, दो हफ्तों के बाद फिर से रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। दो हफ्ते बाद दोनों के बीच बातचीत होगी, लेकिन बातचीत से पहले क्रेमलिन का बयान सामने आया है, पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का कोई इरादा नहीं है। लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा रहा था कि आमने सामने बैठकर पुतिन उनसे बातचीत करें, लेकिन अब क्रेमलिन का बयान अहम हो जाता है क्योंकि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का इरादा नहीं है। उनका ऐसा ये कहना है, शर्तों के साथ गैर जानिबदार रहने पर गौर किया जाएगा। तो ज़ेलेंस्की का बयान और साथ ही साथ क्रेमलिन का बयान भी आपको दिखा रहे हैं। तो दो हफ्ते के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान टर्की में बातचीत होने वाली है, लेकिन बातचीत से कबल क्रेमलिन का बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का कोई इरादा नहीं है। तो लगातार रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है, तमाम तर पेशरफ्त इसमें सामने आ रही है और काफी तवील ये जंग हो चुकी है, एक महीने से ज्यादा का वक्त अब इस जंग को हो चुका है। हालांकि अब फिर से बातचीत पर अमल होने वाला है। आपको बता दें, दो हफ्ते के बाद दोनों मुल्कों के बीच टर्की में ये बातचीत होने वाली है और साथ ही साथ बातचीत से पहले क्रेमलिन का ये बयान कितना बातचीत पर असर डालता है, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच मीटिंग का इरादा नहीं है और शर्तों के साथ गैर जानिबदार रहने पर गौर किया जाए। तो रूस यूक्रेन के दरमियान लगातार जंग जारी और बातचीत का दौर भी जारी है, कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब फिर से एक बार बातचीत की टेबल पर दोनों मुल्कों के लोग बैठेंगे।